ये कह रही थी, आप कह रहे थे कि किस तरह से ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, किस पोज पे ज्यादा मजा आता है? देखो जैसे मैं बेड के ऊपर झुक जाऊं मैं, ठीक हाँ है, बेड बेड को हाथ रख के ना दोनों अपनी कमर झुका लूं अच्छा और आप मेरी कमर को पकड़ो हाँ और अपना वो जो है ना मेरे फ्रंट में डालो, अच्छा हालांकि उससे पूरा नहीं जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा भारी रह जाता है, मगर ये कि वो ना ऊपर के साइड जो लग रहा होता है ना मांस में, वो एक अलग मजा होता है उससे। अच्छा असल में सारा कमाल जो है ना आपकी टोपी है, आपकी हाँ टोपी जिस तरफ जाके रगड़ती है ना उधर ही मजा चढ़ता है, बस उधर से ऐसे अच्छा लगता है। अच्छा हाँ सही है। ऐसे ही जैसे सीधा लटा के तुम डालो ना अंदर हाँ तो वो ऊपर नाफ की तरफ आ जाता है, हाँ एक टांग शोल्डर पे रख के फिर डालो अंदर तो लगता हाँ है टांग की तरफ चल गया, अंदर हड्डी भी लग रहा होता जाके ना, हाँ वो भी अपना मजा देता है। इसी तरह ही है ना, और जब उल्टे होके तकिया रख के लेटो थोड़े से कूले ऊपर करके और हाँ आप डालो वो भी अच्छा लगता है, कैसे? कमर के पेट के नीचे तकिया रख के ना और हाँ सीधे लेटा दो ना अच्छा। और वो थोड़े से कूले ऊपर करे ना, आप उसके कूलों पे हाथ रख के फ्रंट में डालो, हाँ वो पैरों भी के बल अच्छा। बैठ का। हाँ तब तो बहुत सारा अंदर चल जाता है ना। हाँ उस तरह चले जाता है, जो खड़े हुए हाँ करते हैं वो नहीं जाता, हाँ हाँ वो थोड़ा निकला रहता है वहां, और जो सीधे आप लेट जाओ और हम आपके ऊपर बैठे हो पैरों के बल ना, आपके ऊपर हाँ पूरा वजन ना दें, सिर्फ अच्छा। सिर्फ जो है ना आपको ज्यादा ज्यादा अंदर नजर आ रहा होगा हाँ आपकी नजरों के सामने, फिर अच्छा, ऐसा ऊपर लगता बैठ है। कर भी मजा आता है। हाँ अच्छा लगता है, सही उसको है। ऐसा लगता हाँ है जैसे हम कर रहे हैं। ऐसे ही है, मर तो बस लेटा रहता है नीचे। हाँ उसमें ये मर थकते नहीं है, अगर आपको ज्यादा थकावट हो ना तो आप वो वाले स्टाइल से करें ना, उसमें भी सारा काम औरत से ही होगा, आप हाँ कर भी लेंगे और फारिग भी हो जाएंगे बिल्कुल सीधे बिल्कुल। लेटे होंगे तो, ये बात है। और जब औरत थकी हुई हो तो उसको औरत तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर आता हूँ, हाँ और कमर के साथ भी लिटा के ना कैसे? जैसे करवट लेके नहीं लेटते, हाँ इस तरह से करवट लेके लेटी हो वो, हाँ और आप उसकी कमर में हाथ डाल के ना उसकी एक हाँ टांग थोड़ी सी आगे कर दें, अच्छा। जैसे बच्चे अक्सर उल्टे सो जाते हैं ना, हाँ और फिर डालो नीचे से, बड़ा मजा आता है उसमें। हाँ हाँ ऐसे किया मैंने कई दफा। एक टांग सीधी हो। सारा कुछ तो तुमने किया हो, फिर क्या पूछ रहे हो मुझसे। अरे नहीं, मैंने कहा इतना तजर्बा है, थोड़ी बहुत हमें भी बातें मिलनी चाहिए ना। तो वही तो मैं कहती हूँ, छोटे मैं बता दी सब कुछ तो तुमने किया हो, फिर भी क्यों कह रहे हो उस्तानी। हाँ नहीं, कई बातें मुझे मालूम नहीं थी वैसे जो आपने बताई। अच्छा आप कभी ऐसा करना, हल्का सा हाथ में तेल लेके ना हाँ हाँ उसके तेल लगाना, फिर देखना इतनी गर्म हो जाएगी ना वो, अच्छा इतनी गर्म हो जाएगी, और इसकी हल्का सा ब्रेस्ट पे भी लगाना अच्छा मसलना, और पहले ब्रेस्ट पे लगाए ना वरना हाथ गंदे हो जाते हैं ना, फिर तो नीचे चले जाएंगे आप, हाँ पहले हाथ पे लगा के ना ब्रेस्ट पे मसलना खूब, अच्छा। निपिल निपिल से ही लगाना ना तेल, निपिल तो मुंह में लेना है ना आपने, हाँ और चमकने लग जाएंगी गोल गोल, इतनी मजेदार लगेंगी देखने में ना के पास। हाय हाय। और फिर इसके बाद उसको टिश्यू से साफ करके ना जो उसका पानी वगैरह हो, हाँ फिर तेल लगाना उसको, जो अच्छा। उसका छोटा सा मांस है ना उसको बहुत तेजी तेजी हाथ नहीं लगाना, बहुत हाँ हल्के हल्के हाथ से ना, अच्छा बस जैसे हम हल्की हल्की उंगली डालते हैं ना कान में, इस तरह से हल्के हल्के हाथ से, पता सही नहीं है। जो हल्के हल्के हाथ से करो ना वो आहिस्ता आहिस्ता जोश चढ़ता है, जो हाँ तेज से सही है। कुटिया मारती ना उस हाँ औरत कहेगी मुझे तकलीफ हो रही है। हाँ ऐसे हाँ कभी तुमने लगाया है तेल अपने? हाँ पहले एक दफा लगाया था, मुझे तो इतना मजा नहीं आया, अच्छा लेकिन इस तरह नहीं लगाया था जिस तरह आप कह रहे थे। अब लगा कर देखूंगा ना। नहीं, तुमने अपने हाँ अपने की बात कर रही, तुम्हारे हाँ लगाया था एक दफा, अब लगाऊंगा ना। आप तो मेरे उस्ताद ने कह दिया ना। नहीं, वैसे तुमने कभी अकेले में उसको तेल लगा के उसे फारीक किया तो कितनी देर में होता है हाँ अकेले में? अच्छा अकेले। हाँ
भी हो ही जाता है ना, बेगम शादी से मैके गई हुई है या मैंने मेन्स के शादी सूए से में। पहले बाद में तो शादी के बाद तो मैंने कभी नहीं किया। अच्छा ठीक है। मैं इसको रहने नहीं देता ज्यादा देर वहां, मेरा गुजारा ही नहीं होता। सही है। और क्या। पता क्या, मैं जिस एक हफ्ते में एक दो बार नहाना करूं तो मेरा गुजारा नहीं होता, सही है। ठीक है ना। तो मैं जाता हूँ ना इसके साथ, दो तीन दिन रहने के बाद साथ ही वापस लेता हूँ। अच्छा। तो शादी से पहले किया था, तब तो काफी मजा आता था, मजे ले लेकर। हाँ, कोई मूवी वगैरह देख के या कोई बातें करके आए हैं आप, जरा हाँ जोश चढ़ा हुआ है। हाँ हाँ उस उन दिनों टैक्सी रसाले वगैरह काफी चलते थे।